Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss linearity property on inverse Laplace transform and then some question. So let's start the video. तो ये है question जो linearity property के ऊपर है. L inverse 1 upon s minus 2 plus 2 upon s plus 5 plus 6 upon s to the power 4. सो ये क्वेश्चन होगा लिनियरिटी प्रॉपर्टी के ऊपर. जैसे हमने लाप्लास में लिनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ा था उसी तरीके से इनवर्स में भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी के ऊपर एक थ्योरम है. वो थ्योरम ऐसा है, इफ़ एफ वन एस एंड एफ टू एस आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन टी एंड एफ टू टी रिस्पेक्टिवली. जो एफ वन एस है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ वन टी का, एंड एफ टू टी जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ टू एस. तो अगर इस तरीके से है तो इसका L इनवर्स C1 F1S प्लस C2 F2S इक्वल टू होगा C1 L1 इनवर्स F1S प्लस C2 L इनवर्स F2S, वेयर C1 एंड C2 आर एनी कॉन्स्टेंट्स. तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है. तो इसका प्रूफ बहुत कठिन नहीं है. अगर आप लाप्लास वाला जानते हैं तो सेम उसी बेसिस पे इसको भी कर लेंगे, इसलिए हम इस थ्योरम को कराना उतना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं. बिल्कुल उसी तरीके से है, वहाँ पर हम सिंपल यूज़ करते थे इसको एफ टी के टर्म में. सिंपली इस तरीके से लाप्लास ऑफ एफ एक तरीके से एफ वन टी सी वन एफ वन टी प्लस सी टू एफ टू टी इक्वल टू. तो ये एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी की तरह ब्रेक हो जाता था. यहाँ पे आता था सी वन लाप्लास ऑफ एफ वन टी एंड प्लस सी टू लाप्लास ऑफ एफ टू टी. क्लियर? तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है, केवल यहाँ पे क्या लग गया है, इनवर्स आ गया है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आएंगे, तो बड़े आराम से अपने से भी किया जा सकता है. तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन है हमारा L इनवर्स, सो वन अपॉन एस माइनस टू. तो यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो L इनवर्स हमारा हर टर्म के साथ हो जाएगा. यहाँ टू जो है कॉन्स्टेंट की तरह है, तो टू को हम बाहर ले लेंगे. L इनवर्स वन अपॉन एस प्लस फाइव. उसी तरीके से यहाँ सिक्स कॉन्स्टेंट जैसा है, वन अपॉन एस टू द पावर फोर. इस तरीके से यहाँ L इनवर्स होगा सिक्स L इनवर्स. तो इसकी वैल्यू आएगी, हम जानते हैं कि जो लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी था उसका मान आता था वन अपॉन एस माइनस ए. तो अगर हम L इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर ए टी. ठीक है, अगर इसको हम इधर लाएंगे तो L इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए मिलेगा e टू द पावर ए टी. उसी तरीके से यहाँ s माइनस टू है, यहाँ s माइनस ए है, तो a के जगह पे क्या है, टू. तो इसका मान हमें क्या मिलेगा, इसका मान मिलेगा e टू द पावर टू टी प्लस टू L इनवर्स वन अपॉन इतना है, तो यहाँ चूँकि यहाँ प्लस है तो यहाँ हमें माइनस मिलेगा. सो e टू द पावर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स. अब यहाँ देखिए आ रहा है L इनवर्स वन अपॉन s टू द पावर फोर. हम एक ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी पावर एन, ये देता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एस टू द पावर फोर है. तो इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो कैसे लिख सकते हैं, एक तरीके से हम इसको इधर लिख लें वन अपॉन एन फैक्टोरियल, या ऐसा लिख लें टी पावर एन बाई एन इक्वल टू, या हम इसको ऐसे लिखते हैं लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन इक्वल टू. यहीं से क्या मिलेगा, टी टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल. क्लियर? सो एन के जगह यहाँ पे क्या है, थ्री, क्योंकि ये थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा.
अगर हम इस इक्वेशन में n इक्वल टू 3 रखें तो हमें क्या मिलेगा, l इनवर्स 1 अपॉन s टू द पावर 4, क्या मिलेगा, t पावर 3 और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ मिलने वाली है, क्योंकि l इनवर्स s बाई 4, 1 बाई s पावर 4 का मान क्या आ रहा है, tq अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो वही चीज़ हम यहाँ पुट कर लेंगे, tq अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इन चीज़ों को हम हटा देते हैं, ये सारा पुराना ही था, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये पूरी की पूरी वैल्यू हम वहाँ पे रख दे रहे हैं, बड़े आराम से हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सो ई टू द पावर 2t प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 5t प्लस, अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 2, सो 6 कैंसिल हो जाएगा, सो हमें फाइनली मिलेगा tq। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, सिर्फ हमें लाप्लास पता होना चाहिए, उसका हम इनवर्स बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास इनवर्स 4 अपॉन एस बाई एस माइनस 3 माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो इसको भी हम उसी लिनियरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू करेंगे। सो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, एल इनवर्स 4 चूँकि नंबर है तो इसको आगे ले लेते हैं, 1 अपॉन एस माइनस 3 माइनस 2 एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर एंड देन 3 एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू हम सारे टर्म को सेपरेट कर दिए। अब इसके बाद हमें याद होना चाहिए कि इन सारे टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। तो ये कुछ e टू द पावर 80 वाले का है, l इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a होता है e टू द पावर 80। उसी तरीके से लाप्लास ऑफ साइन 80 होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 80 होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखें तो एस को क्या लिख सकते हैं, एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ 80। और इसको हम अगर लिखें तो एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस 80, क्लियर। तो इन तीनों रिलेशन को यूज़ कर लेंगे हम अगर, तो ऊपर की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी इन तीनों रिलेशन को। सो 1 अपॉन एस माइनस ए उसी तरीके का ये है, तो हमें क्या मिलेगा, 4। और एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 3 को क्या लिखेंगे, ई टू द पावर 3t, सिंपली जो ए के जगह पे है उसको ए के जगह पे रख दिया, सो ए टू ई टू द पावर 3t एंड देन माइनस 2। अब ये देखिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इस तरह का है, एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए के जगह यहाँ पे क्या है 5, सो ये सिंपली क्या देगा, कॉस 5t, क्लियर, प्लस 3। अब ये कैसा है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल साइन 80 मीन्स साइन 3t, ये 3 का स्क्वायर है तो ए के जगह पे 3 है, सो साइन 3t, क्लियर। तो ये काफ़ी आसान था, यही हमारा आंसर है, सो दिस इज़ द आंसर, क्लियर। तो हमें इसके लिए ज़रूरी है कि ये लाप्लास वाली चीज़ें सारी याद हो, हमें उनका लाप्लास याद हो, तो इस टर्म को देख के हम पहचानेंगे कि इनवर्स क्या होगा, ठीक है। इस टर्म को देख के हमें ध्यान में आना चाहिए कि ये किसका लाप्लास है, ये किसका लाप्लास है, तो ये कॉस का लाप्लास था, ये साइन का लाप्लास था, तो ये सारी चीज़ें याद आएंगी तभी हम कर पाएंगे इसको, अदरवाइज़ काफ़ी कठिन हो जाएगा ये। तो इसके लिए फिर से वही बात है कि आपको सारे लेक्चर शुरू से देखने पड़ेंगे, कम से कम 11-12 लेक्चर हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के ऊपर, सो वो सारी चीज़ें जब देख के आएंगे यहाँ
तभी ये वन बाई वन सारा कुछ समझ में आएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले टर्म पे हम डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरम्स के बारे में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।